जैसे आंधी आ रही हो इतनी तेज बारिश है, सारा पानी का पानी है इस साइड से ज्यादा इस साइड से। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो देखें आज हमारे यहाँ का मौसम, इस मौसम में पता है लो चलती थी हमारे यहाँ चौथे महीने में जो है ना लो चलती थी, तो आज चौथे महीने की तीसरी तारीख है, माह रमज़ान का महीना है, वैसे तो रोज़े हैं, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, लेकिन जो किसान बहन भाई है ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस मौसम को देख के। जो गरीब मेहनत मजदूरियाँ करते थे वो भी बेचारे बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आटे की कितनी ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो हमारे गांव का तो वैसे भी बहुत ही बुरा हाल है, थोड़ी सा कहीं से भी बादल आता है ना तो बहुत तेज़ बारिश आती है। तो सुबह से बारिश शुरू हुई है और मैंने घर का काम किया है सुबह सुबह उठ के, रोज़ा सहरी के बाद जो ना सहरी के वक्त जब हम उठे हैं ना उस वक्त भी बारिश आ रही थी। तो आज से अंदर सो रही है और अम्मी जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ रही है, तो मैंने थोड़ा सा घर का काम है वो किया है। और ज़ारा को देखिए ये भी आई हुई है, तो हमारे यहाँ देख कर चमक सुबह से हो रही है, सुबह से बहुत देखें गंदा मार कुछ बांधी पड़ी है और कुछ ऐसी खड़ी हुई है और कुछ कटी हुई भी पड़ी है। कुछ हालात ऐसे नहीं कि अच्छे हो जाएं, अल्लाह ताला बस रहम करे। आप सब बहन भाई ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना बस इस मौसम को साफ करे और खुश्क मौसम हो जाए तो फिर गंदम का मौसम भी अच्छा सीजन गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। और असद को देखें, असद भी आएगा। ज़ारा सलाम करो, बाय बाय करो। बारिश भी इतनी आ रही है, हमने कहा कि इन्होंने स्कूल की तैयारी किया तो जब इन्होंने देखा है कि ये गरज चमक से डरते हैं ना तो सभी ने कपड़े उतार दिए, नहीं गए सकते। ज़ारा भी पछतो बातें कर रही है, प्लान कर देखें। ज़ारा क्या हो रहा है? ये कहती है ये पता है कान कानों के ऊपर ना ऐसे हाथ देती है जब गाजे आती है। तो देखिए जी अबू जी ने आज पता है लुकार उड़ी हुई है, अभी अबू जी और ये तिलावत करेंगे कुरान मजीद की। मौसम ठंडा है तो बल्ब वगैरह जला के अंदर बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी आपकी क्या जाना पसंद है? हाँ सकलान कहता है मैंने बात करनी है सकलान, चलो करो बात। ला ला मी आ रहा है, स्कूल नहीं गया आज बेचारा, इसकी छुट्टी हो गई है। और लकड़ी का हाल देखिए हमारी, कुछ सोने की लकड़ी थी वो उसको मैंने छोटा छोटा करके इकट्ठा किया था, मैंने कहा कुछ हो जाएगी। ये कान बंद करो, कान बंद करो, जुलो जुलो जुलो। जैसे आंधी आ रही हो इतनी तेज बारिश है, सारा पानी का पानी है इस साइड से ज्यादा इस साइड से। अभी मैं बाहर निकली हूँ, मुझे जो है ना रोजा था, मैं सो रही थी सुबह सुबह से जो है ना आप ही कह रही थी कि बारिश आ रही बारिश आ रही, मैंने कहा ऐसे कह रही ऐसे कह रही अब भारी है बारिश, सारा पानी कम दो मिनट के लिए आई है, क्या कहे बंदा काम शुरू करने के लिए जाता है बारिश ही काम कर देती है फिर बंदा बैठ जाता है। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि कुछ बता भी नहीं सकती कसम से, मेरा बहुत सारा काम ऐसे बिखरा पड़ा है, बहुत सारी जो है ना यूँ समझ लो कि बहुत सारी बहनें ऐसी बैठी हैं बारिश, वो जो बैठी है ना उसका कमरा बन रहा था उस बेचारी का, फिर सारे कपड़े एक बेचारी का कमरा बन रहा था, एक बेचारी तो ऐसे बैठी है, एक मेरी सिस्टर ने कहा है तो उसका बनवाना है तो वो बैठी है ऐसे, उसका भी बनवाते फिर बारिश ये काम कर दिए तो क्या करें आप। अरे वॉशरूम भी नहीं बन सका वो इसी बारिश की वजह से, वो वॉशरूम नहीं बना अभी तक, मिस्त्री सुबह सुबह से आए हैं वो इधर सारे, मैंने कहा कि घर भाग जाओ इससे बेहतर है घर भाग जाओ, हर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा क्या किसी को नुकसान कराना है हमने। वही किधर जा रही
बहुत हालात खराब बनी हुई अम्मी परेशान हो रही है, क्या करे अम्मी सही कह रही है। एक तो आप लोगों की गाय है वो भी जो है बाहर निकली है, तो वो पहले कर दी थी आपको पता है। इस हालात में कैसे जाएं बाहर बुझा जाओ, एक बंदा जाए आप लोगों से बात करें, आप जाओ भाग के जान से कपड़े मां दे बन गया पुराना कपड़ा तो उन्होंने दिया है, कपड़े गीले हो जाएंगे तब ठीक कर लेते, बस कपड़े गीले हो गए ना और जाओ भाग बारिश हुई भाग के। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, सारा पानी पानी मेरे ख्याल में, जहाँ भी देखो पानी है। धमाका होगा देख देखिए हमारे यहाँ शाम का टाइम हो चुका है, बस अब तैयारी का टाइम होने वाला है, और आप ही देखे तेज आ चुकी है और बर्तन भी सारे अभी से देखे शाम सुबह से लेकर अभी तक बादल वैसे के वैसे ही है, और लगता ऐसे है कि सारा जैसे कल रात सारी रात बारिश होती रही, और आंधी देखिए कितनी तेज है। अम्मी आज अंधेरे में काम कर रही है, नहीं लाइट चली जाती है ना, तो अभी जो है ना इस वक्त जो जब थोड़ी सी आंधी आ जाए हमारे पास प्यारी भी, बस थोड़ी सी बारिश आ जाए बस फिर छुट्टी है इसकी चली जाती है। और मैं भी आशा से आपको मिलवाता हूँ, ये तो भाग गई थी मोटरसाइकिल पर जल्दी, क्योंकि कहती थी मुझे रोजा ज्यादा लगता, मुझे जो कपड़े खरीदने थे वो ले आई कपड़े, मैं समान वाह भी वाह क्या वाह। तो प्यारी ऐसी है अंदर देखे क्या हशर हुआ हुआ है इनका, अम्मा क्या कितनी बैठी है वहाँ पर, देखो देखो सारी चपारी कर, चलो कुछ ना कुछ तैयार करो तो सही बात, आज अफतारी उन्होंने कुछ बनाया है मेरे घर वालों ने आंधी जो ज्यादा है, तो आज सारा दिन शहर में गुजार के आशे, और मैं आशे कैसे और जो खजूर आज खाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं बना रहे चटनी बना रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना सारा दिन जो है ना बारिश और आंधी नहीं रुकी, और हम भी लगे रहे हैं सामान आज जितना रस्सा खराब था ना कसम से धक्के लगा 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 तो गए अबू, मैं भाभी कसम से अबू के साथ गए तो बस यूं समझो, फिर मेरी ही माता ने मैं रोजे के साथ लोधरा लोधरा से जल्ला, तू उधर से आ तो गई थी ना हमें देखना शाम हो गया, तो नहीं अम्मी मैं रक्षा को धक्का लगाते रहे हम, ओ गई 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 प्यारी भी वीडियो भी यही वायरल कर दे अम्मी, तो क्या था मेरे घर में को अच्छी लगी होगी मार वीडियो, ओ लाइक चली गई है साथ आए तो लाइक और शेयर करना, मैं नजर नहीं आ रही है धारा हो गया है बिजली चली गई है, हमेशा खुश रहे अपनी फैमिली में बात रहे, मुझे मेरे भाई को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।